हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, फिर आज रहे आपका जेके एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और दमदार वीडियो के साथ। दोस्तों, पहले मैंने आपको ट्रेलर दिखाया। दोस्तों, ट्रेलर दिखाने का कारण ये है कि अगर आपको कोई इस तरीके से लॉक लगाता है, दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो नेक चोक होता है दोस्तों, ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इस तरीके से आदमी हाथ डालता है, ये हाथ हम इस तरीके से डालते हैं और ये जो लॉक लगाते हैं, तो इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको चंद सेकेंड मिलते हैं। कारण ये है दोस्तों कि हमारा हैंड का जो ये हिस्सा होता है, ये काफ़ी हार्ड होता है, मैंने पहले ही बताया। और ये दोस्तों लोड लाता है यहाँ पे, इस तरीके से जो है सामने वाले का जो गला है वो बिल्कुल चोक हो जाता है। तो इससे बचना दोस्तों आपको ज़रूर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इससे बचना नहीं आता है तो ये समझ लीजिए, जो मैंने ट्रेलर दिखाया, अगर आपको उस तरीके से कोई लॉक लगा देता है, तो दोस्तों आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल में इससे बचने की कोई टेक्निक नहीं है। और आपको बता दूँ, जिसने ये टेक्निक बताई है, जिन लोगों ने भी इसकी टेक्निक बताई है कि ये ज़मीन पर लॉक लगाने के बाद में छूट जाता है, तो आप याद रखिए, बिल्कुल फेक वीडियो है, आप रियल ट्राई कर लीजिएगा, आपकी जो पकड़ है वो नहीं छूटने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बचोगे कैसे। आपको बचना है दोस्तों लॉक लगने से पहले, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। और अक्सर क्या होता है दोस्तों, कोई पीछे से आकर लॉक लगा देता है, तो आपको बता, ठीक है लॉक लगाओ, आ जाओ, ठीक है लॉक लगाओ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बंदा लॉक लगा रहा है, लेकिन आपको बता दूँ, अगर ये लॉक लग जाता है तो उसके बाद में पॉसिबल नहीं कि आप उससे बच सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखिए आप छोड़ो हाथ, लॉक लगाने की कोशिश करो, ठीक है लगाने की कोशिश करो। ये याद रखिए दोस्तों, जब बंदा देखिए आपको पीछे से हाथ डाल रहा है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमारा जो चिन्ह है वो इस तरीके से दोस्तों हम अड़ा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो गला है वो दबेगा नहीं, तो हमको थोड़ा सा समय मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने चिन्ह नीचे किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाथ है हमारा, इस तरीके से पकड़ेंगे। और आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर बंदा पकड़ने वाला जो है वो अगर ऑलरेडी हल्का है, कमज़ोर बंदा है, तो उसको हम सिंपल क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने पकड़ा, और यहीं के यहीं जो पैर है दोस्तों, ये लेके हम इस तरीके से बैठेंगे और बंदे को ये है फेंक देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है वो बंदे को पीछे से फेंक सकते हो, और उसके बाद में आप जो है फेस पंच अटैक कर सकते हो। ठीक है, उठो। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हाइट ज़्यादा है और ताकतवर बंदा ज़्यादा है, तो उससे किस तरीके से बचोगे, तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लॉक लगाओ, ठीक है लॉक लगा दो, हाँ ये लगाया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिए, बंदे का वेट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद पहले एक जंप करेंगे हाथ पकड़ के, उससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी वेट है वो बंदे के हाथ पे जाएगा। देखिए आपको बताता हूँ, इस तरीके से हमने जो है जंप किया, और फिर हम झुके, और फिर ये बंदे को इस तरीके से फेंका। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, ठीक है उठ जाओ। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, जब बंदा हैवी है, बंदे का वेट ज़्यादा है, बंदे में ताकत ज़्यादा है, तो जाहिर बात है कि आप बिल्कुल ऐसा आसानी से नीचे बैठ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, पूरा बॉडी को झुलाना है। ठीक है, पकड़ो, लॉक लगाओ। देखिए ये लॉक लगाया दोस्तों, सबसे पहले हमने चिन नीचे किया, ये बंदे का हाथ पकड़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी को उठा के और झुलाएंगे। देखिए इस तरीके से जो है हमने ये झुलाया। ठीक है, झुलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको खड़ा नहीं होना है, आप डायरेक्ट जो पैर है वो नीचे लेके जाएंगे, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो लॉक लगाओ, हाँ ये लॉक लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, ये हम बॉडी वेट उठाए और ये बंदे को फेंक दिया, चंद सेकंड का काम है दोस्तों। और फेंकने के बाद में आप चाहो तो यहाँ से बिल्कुल फेस पंच जो है वो अटैक कर सकते हो। ठीक है, उठ जाओ। तो इस तरीके से दोस्तों जो है वो आप अटैक जो है वो कर सकते हो, और बड़ा सिंपल और आसान तरीके से होता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, इधर से लॉक लगाओ, आओ, ठीक है लगाओ, हाँ लगा दो। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बंदा अगर लॉक लगा रहा है, ठीक है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही बंदे का हाथ आ रहा है, सबसे पहले हमें चीन अड़ाएंगे, उसके बाद में ये हाथ पकड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो इस तरीके से जो है वो हवा में ले जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, बॉडी वेट कब उठाना है आपको, जब बंदे का जो है हाइट ज़्यादा है, बंदा जो पकड़ने वाला है वो हैवी है, तो उस समय पे आपको ये जो टेक्निक है वो काम में आने वाली है। ठीक है, पकड़ो, ये लॉक लगाओ दोस्तों, ये हम उचके, ये हमने घुटना टेका। देखिए घुटना टेकने के बाद क्या होता है दोस्तों, अगर मैं देखिए तो बंदा पूरा ये हवा में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बॉडी वेट एयर मूवमेंट बना के इस तरीके से पूरा झुक जाना है,
बंदा ऑटोमेटिक ज़मीन पे आएगा। जब बंदा ज़मीन पे आ गया उसके बाद हम ये एल्बो अटैक कर सकते हैं, फेस पंच कर सकते हैं, उसके बाद तो दोस्तों हम बहुत जगह जो है वो अटैक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है वो आप इस खतरनाक पकड़ से बच सकते हो। और आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो पकड़ है ये काफ़ी ख़तरनाक होती है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। और इसकी एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, कई लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि लॉक अगर लग जाता है और कोई ज़मीन पे लगा देता है तो इससे बच सकते हो। आपको बता दूँ इसमें मात्र चंद सेकंड मिलते हैं। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो किसी को इस तरीके से लॉक लगा दीजिएगा। ठीक है, आप सामने देखिए, ये हमने हाथ डाला, ये हाथ को हम इस तरीके से डालेंगे, याद रखिए, और ये गर्दन के पीछे से लगाने के बाद ये किसी को इस तरीके से लॉक लगाइएगा, मात्र 10 सेकंड के अंदर जो है वो बंदा बेहोश होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो आप याद रखिए, ये जो पकड़ है ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये जो लॉक है काफ़ी ख़तरनाक है, तो बड़ा सावधानी से इसको आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते समय भी ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो बंदे को जो है वो ज़्यादा जम के ना पकड़े, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आप भी कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, 100% आपका भाई आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।